कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः नमस्कार। विद्यार्थियों, हम भूगोल के अंतर्गत अध्याय 19 की चर्चा कर रहे थे। उद्योग से संबंधित हमने चर्चा स्टार्ट की थी, जिसमें लगभग मैंने आपको इस अध्याय में भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में चर्चा दे रहा था। जो पहला उद्योग हमने लोहा उद्योग पढ़ा, उसके बाद में लोहा उद्योग से संबंधित कारखाने, इनके बारे में अधिक विस्तार से जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली थी पिछली वीडियो के अंतर्गत। उसके पश्चात मैंने आपको एल्युमिनियम उद्योग के बारे में भी पिछले वीडियो के अंतर्गत ही बता दिया था, सूती वस्त्र उद्योग, और इसके अलावा हमारे पास में चीनी उद्योग की बात करनी थी अपने को इस वीडियो के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों, आज अपन चीनी उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो आप ध्यान से इसको सुनने का प्रयास कीजिए और शांति से समझने का प्रयास कीजिएगा। चीनी उद्योग देश का वस्त्र उद्योग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों आपको कि चीनी उद्योग वस्त्र उद्योग के बाद में भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है जो कृषि पर आधारित है। चीनी उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि चीनी की खपत में विश्व में प्रथम स्थान पर है। प्रथम आधुनिक चीनी मिल बिहार में 1903 में स्थापित की थी। प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की थी विद्यार्थियों? बिहार में 1903 में स्थापित की थी। भारत में चीनी मिलों की कुल संख्या 691 है। कितनी है भारत में कुल चीनी मिलों की संख्या? कितनी है? 691। सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र 134 है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चीनी उद्योग का स्थायीकरण, अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है चीनी उद्योग का स्थायीकरण। चीनी उद्योग के लिए गन्ना कच्चा माल है, अर्थात कच्चे माल के रूप में अपन चीनी उद्योग के लिए किसका उपयोग करते हैं? गन्ने का, जो एक बारहास उत्पाद है। अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के निकट की जाती है। चीनी का उत्पादन एवं वितरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में भी अपन जानकारी लेते हैं विद्यार्थियों। भारत में 90% चीनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में तैयार की जाती है। कहाँ कहाँ तैयार की जाती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में तैयार की जाती है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है, जो देश की 42% चीनी उत्पादन करता है। राज्य का सबसे बड़ा केंद्र अहमदनगर है चीनी उत्पादन के लिए। चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, जहां यमुना दोआब तथा तराई का क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक है। राजस्थान के केशवराय पाटन, बूंदी व श्री गंगानगर में चीनी उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। अभी वर्तमान में जो अपने केशवराय पाटन की फैक्ट्री है ये बंद है, इसमें किसी प्रकार से चीनी उत्पादन नहीं किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट उद्योग है भारत का इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में विभिन्न प्रकार के धातु एवं अन्य निर्माण उद्योगों के लिए मशीनों तथा यंत्रों का निर्माण किया जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों, उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। पहला उद्योग है भारी इंजीनियरिंग उद्योग, दूसरा है हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। स्थानीयकरण के कारक, कौन कौन से कारक है जिनसे इंजीनियरिंग उद्योगों को स्थापित किया जाता है? इंजीनियरिंग उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है अपने को, परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सस्ती विद्युत शक्ति अपने को प्राप्त होनी चाहिए, कुशल श्रमिक तथा तकनीकी ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक होता है। ये हमारे लिए इसके लिए महत्वपूर्ण कारक है इसके स्थायीकरण के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो इस इंजीनियरिंग उद्योग से हम टॉपिक ले रहे हैं, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, उसके बारे में देखते हैं। इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक मशीनरी, विद्युत उत्पादन उपकरण, परिवहन उपकरण, रेल, वायुयान, जल पोत आदि का निर्माण शामिल है। वर्ष 1957 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रांची झारखंड में रूस व चोकोस्लोविया की सहायता से की गई। भारी इंजीनियरिंग उद्योग में निम्नलिखित उद्योग शामिल है, मशीनरी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वाहन उद्योग,
साइकिल उद्योग, रेल उपकरण निर्माण, वायु यान व जलपोत निर्माण उद्योग आदि शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बिंदु है मशीनरी उद्योग। इसमें उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्माण किया जाता है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना 1953 में स्विट्जरलैंड की सहायता से बेंगलुरु में की, जो मशीन उपकरण का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी एक शाखा अपने राजस्थान के अजमेर ज़िले में भी स्थापित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विद्युत उपकरणों के निर्माण हेतु 1964 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बिलाई की स्थापना भोपाल में की गई। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना बेटा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अब इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है मोटर वाहन ऑटोमोबाइल उद्योग। इसे सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। यह उद्योग बड़े शहरों के आसपास केंद्रित है, जहां इसे कच्चा माल व बाज़ार दोनों सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम मोटर वाहन उद्योग 1944 में हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी द्वारा कोलकाता में स्थापित किया गया। इस समय देश में 35 मोटर वाहन निर्माण इकाइयां कार्यरत है, जिसमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। चेन्नई ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। गुड़गांव व दिल्ली ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है, अर्थात एक बड़ा स्थान रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अंतर्गत भी भारत में अहम भूमिका निभा रखी है। सनराइज या नवोदित उद्योग, अब हम नेक्स्ट बिंदु की चर्चा कर रहे हैं। वे उद्योग जो अपेक्षाकृत नवीन होते हैं और तेजी से विकसित हो रहे हैं तथा भविष्य में इनको और अधिक महत्वपूर्ण बनने की संभावना है, तो उन उद्योगों को अपन क्या कहते हैं बेटाओ? सनराइज उद्योग कहते हैं। तो सनराइज उद्योग का मतलब यही है, जो उद्योग अपेक्षाकृत नए हैं, नवीन हैं और तेजी से विकसित होते जा रहे हैं और भविष्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, तो उन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल उद्योग, ये इसी श्रेणी के उद्योग माने गए हैं। नेक्स्ट उद्योग है साइकिल उद्योग। प्रथम साइकिल कारखाना 1938 में मुंबई में स्थापित किया गया था। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा बड़ा साइकिल उत्पादक देश है। लुधियाना पंजाब साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना और पंजाब की साइकिलें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। रेल उपकरण उद्योग, अब नेक्स्ट है रेल उपकरण उद्योग। इसके अंतर्गत दो प्रकार के उद्योग कार्यरत है। इनमें से पहला है रेल इंजन का निर्माण करना, अर्थात रेल के इंजन बनाना। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस पश्चिम बंगाल विद्युत चलित इंजन बनाने तथा डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी उत्तर प्रदेश डीजल इंजन बनाने के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात डीजल से चलने वाले इंजन बनाने के लिए। निजी क्षेत्र में टेलको TELCO टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर रेल इंजनों का उत्पादन करती है। कहाँ पर है टेलको कंपनी? जमशेदपुर में। डीजल इंजनों एवं अन्य उपकरणों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु रेल विभाग द्वारा पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई है, अर्थात कारखाने की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है रेल डिब्बा निर्माण कारखाना, अर्थात रेल के डिब्बों के जो निर्माण किए जाते हैं उनके कारखाने। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरतला पंजाब में सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। रेल पटरियों का निर्माण भिलाई तथा रेल पहिए दुर्गापुर में बनाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं जलयान उद्योग के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, जलयान उद्योग भारत में जलपोत निर्माण के मुख्य केंद्रों में हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम मजगांव बम्बई
कोचिन शिपयार्ड, शिपयार्ड का मतलब होता है जहाँ पर इनको रखा जाता है, अर्थात इनके कारखाने होते हैं उनको शिपयार्ड कहते हैं, जलयान के जो कारखाने होते हैं उनको शिपयार्ड, जहाँ पे जहाज को रखा जाता है वह यार्ड का मतलब है कारखाना। तथा गार्डन रिच वर्क्स कोलकाता प्रमुख है। भारत में जलयान के निर्माण के लिए प्रथम कारखाना विशाखापट्टनम में 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन द्वारा स्थापित किया गया, जिसका 1952 में नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रखा गया। इसके द्वारा निर्मित प्रथम जलयान का नाम उषा था। क्या नाम था बेटा? उषा, ये ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम देश की सबसे बड़ी जहाज निर्माण इकाई है। कोची शिपयार्ड की स्थापना जापान की सहायता से की गई, जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यहाँ मरम्मत निर्माण व प्रशिक्षण का कार्य होता है। मझगांव संयंत्र नौसैनिक जहाजों का निर्माण करता है। वायु निर्माण उद्योग, यह उद्योग पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में है, जिसका संचालन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई। नासिक शाखा में लड़ाकू विमान व नागपुर शाखा में एयरक्राफ्ट का निर्माण होता है। तनेजा एरोक्रेप्स कंपनी देश की पहली निजी कंपनी है जो वायुयान का निर्माण करती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार व कंप्यूटर सम्मिलित हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर से संबंधित जो भी सूचनाओं का जो तंत्र है वह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आता है। बेंगलुरु इसका केंद्र है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है? बेंगलुरु को। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा बिंदु है वह देखिए विद्यार्थियों, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं जो भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए आती है? पहली समस्या है कच्चे माल का अभाव होना। दूसरी है पूंजी का अभाव होना, अर्थात पैसों की कमी होना। इस कारण से इंजीनियरिंग उद्योगों को सही तरह से स्थापित नहीं किया जाता है, नहीं कर पाते हैं, और छोटे व्यक्ति इनका किसी भी प्रकार से कारखाने नहीं खोल पाते हैं पूंजी के अभाव के कारण। अत्यधिक कर भार, अर्थात इन कंपनियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स भी लगे होते हैं, इस कारण से भी ये समस्या आती है। विदेशी प्रतिस्पर्धाओं, उत्पादन क्षमता पूर्ण उपयोग न होना, गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव आदि, ये भारी इंजीनियरिंग उद्योग की समस्याएं हैं। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने तथा देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम और इस तरह की जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी वह एक आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। परंतु वर्तमान स्थितियों में अगर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई, ये भी कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे जिसके कारण से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और हमारा 19वां जो अध्याय था भारत के उद्योग, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आप आसानी से इसके चारों वीडियो को आप देख सकते हो, और यदि किसी विद्यार्थी के पास में उन वीडियो के लिंक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत उन वीडियो के लिंक भी मैं दे दूँगा, जिसे आप आसानी से प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है। थैंक यू।